किरण चोपड़ा जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई है। किरण, बहुत अच्छी खबर, एशियन गेम्स में महिला भारतीय टीम ने कमाल कर दिया, गोल्ड मेडल जीता है। जी बिल्कुल, और ऐसी उम्मीदें भी थी, जबकि पहली बार भारत जो है क्रिकेट में हिस्सा ले रहा था एशियन गेम्स में, तो उम्मीद थी कि मेंस टीम हो या विमेंस क्रिकेट टीम हो, यहाँ हमारा गोल पक्का है, और वही करके भी दिखाया है भारतीय महिलाओं ने। सबसे पहले, उसके बाद मेंस के इवेंट बाद में होंगे, तो आज का दूसरा गोल्ड है, सबसे अच्छी बात है। पहली शूटिंग में भारत को गोल्ड मिला और अब क्रिकेट में गोल्ड के साथ जो है भारत के दो गोल्ड इस एशियन गेम्स में हो गए हैं। आपको याद होगा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से भी क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन वहां पर फाइनल में भारतीय टीम हार गई थी, तो वो निराशा हरमनप्रीत की टीम के ऊपर हावी थी, वो दिख रहा था, लेकिन आज मुझे लगता है वो निराशा जरूर दूर हो गई होगी, क्योंकि आज हरमन खुद भी सस्पेंशन से वापस आ रही थी। और आज के मैच में हालांकि जो पहला टोटल बना यहाँ पर, तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं दबाव है, लेकिन जिस हिसाब से बॉलर्स ने बॉलिंग की, यहाँ पर मैं कहूंगी बेहतरीन बॉलिंग, सीता साधु ने 3 विकेट लिए, राजेश्वरी गायकवाड़ के 2 विकेट हैं, तो उसके बाद जो है श्रीलंकाई बैटर्स के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया था इंडिया के बॉलर्स ने। और एक बात मैं आपको बताऊं, चाइना में जहाँ ये क्रिकेट हो रहा है, चाइना एक वो कंट्री है जहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, आप किसी से बात करोगे तो वो क्रिकेट के बारे में नहीं जानते, यहाँ तक कि जो फील्ड और जो स्टेडियम भी यहाँ पर बनाया गया वो इस तरीके से मेक्सिको स्टेडियम ही है, आपको नेट लगे क्रेन के साथ नजर आ जाएंगे ताकि बॉल जो है बाहर ना जाए, तो इस तरीके का बिल्कुल। तो चीन में क्रिकेट का माहौल जरूर नहीं है, लेकिन माहौल टीम इंडिया ने तो बना दिया है।